नमस्कार, News24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की टॉप 5 खबरों के साथ। पहली खबर, लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने अब और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपना लिया है। मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उनके पिता यानी कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी की उनके पद से हटाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूरे देश में एक साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा यह प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया जाएगा और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री और बड़े कांग्रेस के नेता मौन व्रत रखेंगे। 11:30 बजे ये मौन व्रत सिविल लाइन फाटक के पास शुरू हो गया और इस दौरान यह मांग की जाएगी कि आरोपी जो बनाया गया है उसके पिता केंद्रीय मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, यदि वे अपने पद पर बने रहते हैं तो इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी को तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और इसी मांग को लेकर आज ये लोग मौन प्रदर्शन भी करने वाले हैं। दूसरी खबर राजस्थान की बिजली संकट को लेकर है। राजस्थान में लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि वह केंद्रीय कोयला कंपनियों से और कोल ग्रिड से अतिरिक्त कोयले की मांग कर रही है ताकि राजस्थान में जो बिजली का संकट आया है उसे दूर किया जा सके। इसके लिए पहले जहां 12 से 13 रैक केंद्र सरकार से उसे कोयला मिलता था, अब 15 से 16 रैक कोयले की मांगने की पूरी कोशिश राजस्थान सरकार की ओर से शुरू हो गई है। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की टीम को केंद्र के अधिकारियों से बातचीत के लिए नई दिल्ली भी भेजा गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने लगातार आती जा रही है। हर रोज नए मामले भी सामने आते जा रहे हैं लेकिन राजस्थान सरकार फिलहाल इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि फिलहाल उसकी कोशिश राजस्थान से कोयला संकट के कारण हुए बिजली की कमी को दूर करना है और इसी की कोशिश में वह लगातार जुटी भी हुई है। कोयला संकट के बाद तीसरी खबर अब राजस्थान में खाद के संकट की है। किसानों के लिए एक बार फिर से परेशानी का सबब सामने नजर आ रहा है क्योंकि इस बार मानसून ने वैसे भी बहुत बड़ी राहत राजस्थान को नहीं दी है। ऐसे में अब खाद की समस्या भी राजस्थान में सामने आने लगी। किसानों को खाद भंडार से अपनी खाद खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। खुद केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त खाद की मांग को लेकर राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पत्र लिखा है। उनका यह कहना है कि अप्रैल से सितंबर महीने तक उसे 14 लाख मेट्रिक टन खाद मिलता था लेकिन इस बार उसे केवल 13 लाख मेट्रिक टन के करीब ही खाद मिला, जिसके चलते खाद का यह संकट राजस्थान में उत्पन्न हो गया और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिरिक्त विकल्प इस खाद के लिए भी राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को दी जा रही है कि उन्हें किस तरह से अपनी फसल को बचाते हुए सिंचाई का काम पूरा करना है। चौथी खबर राजस्थान के वैक्सीनेशन को लेकर है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव अब खत्म हो चुका है। राजस्थान सरकार ने इस स्पेशल ड्राइव के लिए 4,000 की बजाय दुगने वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि करीब 8,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए थे। करीब 35 लाख वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई गई। सरकार की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन की पहली डोज सभी लोगों को लग जाए और सरकारी दावों पर विश्वास किया जाए तो 80% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की राजस्थान में पहली डोज लग चुकी है। हालांकि दूसरी डोज लेने वाले लोगों का अभी कुछ और इंतज़ार करना पड़ रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्र से वैक्सीन मिलती है वैसे वैसे राजस्थान सरकार इन्हें भी निर्धारित वक्त पर वैक्सीन लगा रही है। पांचवी और आखिरी खबर राजस्थान में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर है। दरअसल राजस्थान में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। उस पर आरोप है कि वह केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि कई भर्ती परीक्षाओं में पर्चे लीक करवाता था और अधिकारियों से लेकर बड़े स्तर तक उसकी अच्छी खासी सांठगांठ थी, जिसके चलते जो ईमानदारी से मेहनत करते थे उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। केदारनाथ से इस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा ने अब शिक्षा मंत्री के भी इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। आज बीजेपी दफ्तर से ये लोग बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे जिला मुख्यालय पर राजस्थान के इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया है।